सियाने कहंदे ने जिंदा खाइए ओदा गाइए जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते ओ सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ए रात भी तुहाडे करीब 106 चक च सांजी राती खिचियां विच असा मैं एक तकरीर मैं ओ करके आया होर जगह भी ननकाने वाली एक तुहाड़े खिचियां आके राती कीती फिर सियालकोट गया फिर तुहाड़े कोल आ गया सुबह फिर मैं बड़ा लंबा सफर करना है तो मैनूं इन्नी सुभान अल्लाह दे दिओ मेरा सुबह तक गुजारा हो जावे बस अल्लाह ने रिजा फरमाया अय्युहन नबियु इन्ना अरसलनाक शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व बशिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाह फ़ज़लन कबीरा। कमली वाले तेन नबी भी बनाया शहीद भी बनाया मुबशिर भी बनाया असा तेन नदीर भी बनाया दाई लल्ला भी बनाया मजून भी बनाया असा तेन सिराज मुनीरा भी बनाया फरमाया बशीर मुमिनी ईमान वाले मुबारक होवे अर्ज की दिया लकड़ी गदिया मुबारक पे देना है फरमाया भी अल्लाह लहु मिन अल्लाह फदलन कबीरा। अल्लाह ने फरमाया मुबारक होवे तुहाडे कोल मेरा यार मेरा बड़ा फजल बन के आ गया अल्लाह ने अपनी रहमत दा इशारा अपने यार वाल फरमाया फरमाया दालिक फदलुल्लाह يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। अल्लाह ने फरमाया कमली वाला मेरा फजल है अर्ज की अल्लाह सी तेनू फजल समझ दे रहे हैं फरमाया अल्लाह ज़ुल फजल फरमाया मैं ते फजला वाला हूं फजल ते मुहम्मदी जात है। अल्लाह ने जद यार दे फजल दा जिक्र फरमाया फरमाया फलौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। फरमाया जे मेरा यार मेरा फजल बन के ना आया तुसा खाटे ते रह जाना सी अर्ज की दिया ल पता चल गया तेरा फजल कमली वाला है अर्ज की दिया ल तेरी रहमत कौन है फरमाया वा मैं अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला मेरी रहमत भी कमली वाला फरमाया बद गुरु ने मंगल्लाह अलैकुम इज कुंतुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअसबहतुम बिनिमतिहि इख्वाना फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला मेरी रहमत भी कमली वाला मेरी नेमत भी कमली वाला अर्ज की दिया ल कोई औलाद नु फजल समझदा है कोई माल नु फजल समझदा है कोई कोठी नु फजल समझदा है कोई कार नु फजल समझदा है कोई हुसन ते जवानी नु फजल समझदा है कोई शोहरत नु फजल समझदा है अर्ज की दिया ल अपने यार नु केड़ा फजल दे के भेजे आई। अल्लाह ने फरमा कमली वाले किसे नु मैं एक फजल अता कीता किसे नु मैं दो फजल अता कीते किसे नु मैं तीन फजल अता कीते फरमाया मां दाग दे नैना वालिया तेनु मैं ते के फजल नहीं भेजिया तेनु बना के इंज दा फजल भेजिया है जिधरों जिधरों लगदा जावेगा फजल करदा ही जावे। तेनु दे के फजल ले उच्चा बोलो उच्चा बोलो सर आमीन 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 आमीन। फरमाया फजलन कबीरा मेरा सब तो वड्डा फजल कमली वाला रहमत भी कमली वाला नेमत भी कमली वाला
पता चलिया 102 चक वाले हो बुरज मंडी वाले हो आ जड़ा गली चसी बैठे ना ये सानू बशीर साहब ने नहीं बिठाया सानू रब दे कुरान ने बिठाया एक पासे रब फरमा दा फजल ते रहमत करा ते जशन मनाओ ते दूसरी तरफ अल्लाह फरमा रहा फजल भी कमली वाला ते रहमत भी कमली वाला पता चले आ के सानू रब दे कुरान ने बिठाया अल्लाह फजल बांदा मैं फजल करा ते जशन मनाओ असी ओ ही जशन मनान आया जेड़ा अल्लाह ने सानू कुरान च हुक्मन फरमाया के मेरा जदो फजल हो जाए रहमत हो जाए जशन मनाओ अज इना दे घर शादी है ना इन्हों के अब्बा जी नो इन्हों की अम्मी जी नो इन्हों के वड्डे भाइयों नो किसी नो भी वड्डे नो पूछो तो ना पता की करां जी शुक्र रब दा बड़ा फजल हो गया कारोबार चमक जाए तो कहते रब दा बड़ा ही फजल है ना ये सारे भी फजल पर जो आई ना कमली वाले की वारी अल्लाह ने फरमाया फजलन कबीरा फरमाया मेरा सब तो वड्डा फजल कमली वाले जिदे ते जेड़ा फजल होया कमली वाले दे सदके ही हो जाए सारे फजल मुस्तफा दे फरमा तेनू मैं दे के नहीं बना के फजल भेजे तो जिधरों जिधरों लंघदा जावेगा फजलां दे छट्टे मारदा जावेगा इस रास्ते में देख दर पड़िया करना फजल रा बुलूला और क्या के मेरे नाल सारे फजल का शुक्रिया अदा करो ते मिलके सारे पढ़िए फजल बुलोला और क्या चाहिए और मिल गए मुस्तफा और क्या अल्लाह फरमांदा कि जदों जुमे की नमाज पढ़ लो ना सूरतुल जुमा दे अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया जदों फरमाया जुमे की नमाज पढ़ लो तो फिर रब दा फजल तलाश करया करो यानी रिजक तलाश करो फिर जाके दुकाना खोलो पर जुमे वेले बंद कर लिया करो फरमाया फिर दौड़ दौड़ के अल्लाह दी रहमत वाल आओ ते जदों जुमे दी नमाज पढ़ लो फिर फजल तलाश करो पता चलिया रिजक भी फजल हुंदा है किसी ते रिजक हो जाए इजाफा हो जाए तो वो भी रब दा फजल है शादी होवे ते फजल है करम हो जाए ते फजल है औलाद होवे ते फजल है कोठी मिले कार मिले फजल है ते अल्लाह फरमांदा जदों फजल होवे उदों जश्न भी मनाओ पता लग गया आ जड़ा इन्होंने फिर शादी के मौके पे जश्न मनाया ये कुरान ते अमल किया अल्लाह ते खुद फरमा रहे जब फजल ते रहमत करा फिर जश्न मनाओ इस वास्ते जब मेहंदी का वेला आवे ना ते मेहंदी ते हिंदुओं की रस्म है ना अल्लाह फजल कर रहे ते फिर जश्न मनाओ ते नबी दा मिलाद मनाया करो अल्लाह फरमाता हुआ खैरु मिम्मा यजमाउन फरमाया एक बार जश्न यार दा मना दे सही ए तेरे जमा कीते माल नाल भी चंगा ते बेहतर है तेरी सारी जिंदगी दी कमाई एक पासे ते मोहम्मद दे मिलाद ते लगाई रकम एक पासे हुवा खैरु मिम्मा यजमाउन अल्लाह फरमांदा जमा कीते माल नालो आ माल बेहतर है जेड़ा मोहम्मद दे मिलाद ते लगाई गिरामी कदर शादी का मौका तो चूंकि एक मैं तुम्हें साबित कर दिता कि शादी के उत्ते जश्न मनाना ते नबी पाक का मिलाद मनाना ये तो हो गया कुरान तो साबित हूँ अज मेरा दिल कर दिया कि मैं तुम्हें नबी पाक की शादी सुनावा है ना और मैं इंशाल्लाह नाल नाल दसदा जावांगा कि शादी के बाद की जिंदगी इस्लाम के मुताबिक मियां बीवी नु किस तरह गुजारनी चाहिए मुहम्मद बशीर साहब की दावत से असीं आते गए हुण सानूं इस महफिल च बैठे कुछ सबक भी लैके जाने ना सब कुछ लैके जाना खाली तो नहीं ना जाना सखियां दे ब्याह वी ते खाली तो नहीं ना जाईदा असीं ते वड्डे सखी दी बारगाह च आए हां मिलाद दी माफ़त ते आया ते खाली नहीं जाना कुछ ना कुछ झोली च लैके जाना आई ऐसी सीरत मुस्तफा दा आ पहलू वेखी शादीशुदा जिंदगी च इंसान नूं जिंदगी किवें गुजारनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तो सानूं केड़े रंग मिलदे कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया ते तशरीफ लियाए थी यतीमी दी हालत हो जाए
ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ ਅੱਬੂ ਕਿਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੌਵੇਗਾ ਕਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਖਡੌਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਸਹਿਰਾ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਰੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਲਮ ਯਜਿਦ ਕਾ ਯਤੀਮਨ ਫਆਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ आवाज आई वेखी यदि यतीमी नु मैं सहारे किवें देंदा फरमाया मैं ना रोना ए अबू अबू नहीं आखेगा महबूब साडा ए आहद आहद आखेगा कमरे दिनो कर जो आवाज आई अबू अबू नहीं आखेगा आहद आहद आखे एदा सीने ते सोन जी करेगा अपने काबे दी यतीम च सुला देवांगा एदा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा एदी उंगली दे इशारे ते मैं दरख्तां नूं टोर देवांगा एदा मिठियां गल्लां नूं जी करेगा पत्थरां तों कलमे पढ़ा देवांगा एदा खड़ौन नूं जी करेगा चन खड़ौना बना देवांगा एदा सैर नूं जी करेगा मैं अरशां ते बुला अपने महबूब यतीमी केड़े केड़े सहारे दिते मैं गुफ्तगू अर्ज करनी मां की गोदी चाहते यतीम पर अम्मा हलीमा लै गई हलीमा लैके टुरी तो सैयद आमिना फरमा दिया ने हलीमा मेरा पुत्र लैके चली है तेरा ख्याल रखी उतो फरिश्ते झुक के आख्या आमिना फिकर ना कर ये महबूब साडा लैके चली है इन्हें साडे महबूब का की ख्याल रखना है हुण ते असा ही हलीमा का ख्याल रख हलीमा लैके पाल के दे गई सहारे वेख अलम यजिद का यतीम अल फआवा छे साल तक मां ने पालिया मां ने पर्दा किया ते अठ साल तक दादा जी ने पालिया दादा जी का इंतकाल होया ते चाचा अबू तालिब दे घर आ गया अबू तालिब दे घर आए ते वेख्या मेरे चाचे दी ते अपनी औलाद बड़ी है ते घर विच मुआश दा इंतजाम भी कोई नहीं डंगोरी पकड़ी ते बकरियां चारण तुर पे ते उम्मत दे नौजवानां नूं दस्या कि मैं ते चाचे ते बोझ नहीं बणिया पर आज रसीदे मुस्तफा दा रंग वेख मेरे नबी चाचे दे घर पले देखिया के चाचे दी औलाद ज्यादा ते कारोबार थोड़ा ही कौन आंदे वाली डंगोरी पकड़ी बकरियां ते ऊंट चारण तुर पे सैयद आलम ने फरमाया 1,24,000 नबियां चो कोई नबी भी ऐसा नहीं जिन्हें बकरियां ना चारियां हो हर नबी ने बकरियां चारियां मेरे आका ने फरमाया जिदी गरीबी ना मुके गुरबत ना मुके फरमा मेरी सुन्नत समझ के बकरियां पाल लवे रब ओदी गरीबी मुका देवेगा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चारण तुर पे उम्मत नूं पैगाम दिता ते नौजवानां नूं पैगाम दिता कि आओ मेरी सीरत दे अभी रंग देखिया करो सिर्फ हलवे खाना सुन्नत ही नहीं पत्थर खाना भी सुन्नत है मेरे नबी ने सिर्फ हलवा नहीं खादा पत्थर भी खादा अभी नबी पाक दी सीरत दे रंग देखो कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण चढ़दी जवानी मेरे नबी 1,24,000 नबी आए पर रब ने किसी नबी की जवानी की कसम नहीं चुकी पर जो आई ना मदनी की वारी पढ़ा कुरान जाखो सुभान अल्लाह तुसी नहीं बोले नहीं तो पढ़ देना से। थोड़ा होर उच्चा बोलो अजे मैं शुरू होया अजे मैं तुहानू चेक कर रहा तुसा तकरीर किवें दी सुनी अजे तो मैं शुरू करन लगा बड़ी लंबी इश्क की दास्तान है जिहड़ी मैं छेड़न लगा अपना भी नाल दे भी हाथ चुकना ते हिला के जगा के बोलो ना सुभान अल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह कहिए जन्नत एक दरख्त लगता है अज इन्नी सुभान अल्लाह कह जो घर जाओ ते पता लगे मैं ते पूरा बाग ही जन्नत लगा के आया अल्लाह ने रिजा फरमाया फकत लबी सुफी कुम उमर मिन कबली ही अपला दाखिलोन दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया ला अमरु कैन सकोरा दी हे या महू
सरदार पीर मेर अली शाह ने दत्तर जमें जे फरमाया आप फरमा देने कोई मिसल न जाने दी कोई मिसल न जाने दी ए रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी ए रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी। मेनू को कहे भाई बैठ जाओ तशरीफ रखो भाई मरुंडे वाले बैठ जाओ मेहरबानी तुहाडी तशरीफ ले आयो भाई गुजारिश है इन्हां कोल सारा सौदा महफल दे इख्तिताम ते खरीद लिया जे ठीक है नबी पाक दा मिलाद ओ भी खाली ना जावे खरीदोगे ना जिन्हां नूं अल्लाह तौफीक दित्ती लैके जाए तो कि वह भी कह ना कह सी पर तुम मेहरबानी बैठ जाओ मेरा भी क्योंकि तुहाडे वल तवज्जो हो जानी है मैं तकरीर करनी है। मियां साहब फरमाते ने मर मर एक बनावन शीशा ते मार वटा एक बन दे शीशा बनाने वाले नूं कदर होंदी है शीशे दे बनाने दी भन्नन वाले नूं कदी कदर होंदी है लिहाजा मैं शीशा बनावा लगे नूं तोड़िया जना मेहरबानी मैं तुहानूं किसे जगह लैके जाना है मैं चाहना कि मैं आ गया सफर करके तुसीं भी आयो सफर करके रात गुजारी नींद छोड़ के बिस्तर छोड़ के खर्चे करके आयो खाली नहीं जाना ठीक है तवज्जो फरमाओ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्के च जवान होए ना ते मक्के च कोई बाज़ाबता हुकूमत नहीं सी कोई सदर नहीं कोई वजीर आजम नहीं कोई पार्लीमेंट नहीं कोई हुकूमत नहीं एक ही कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस तगड़ा बहुत तगड़ा है ते माड़ा बहुत ही माड़ा अमीर बहुत अमीर है ते गरीब बहुत गरीब है। मेरे आका ने जब जवानी विच मक्के दे माहौल नूं देखिया ते ख्याल आया कि इत्थे ते अमीर गरीबां दा इस्तेहसाल कर रहे मक्के दियां उजड़ ते जाहिल कौमां ना मां दी कदर ना बाप दी कदर ना बहन दी कदर ना बीवी दी कदर ना बेटी दी बेटी नूं तां जिंदा ही दफन कर दिंदे ने कि औरत कोलों नफरत ही बड़ी शदीद है। उस मुआशरे च बंदे दी ते दरकिनार खुदा दी ते पहचान कोई नहीं खुदा 360 बुत उन्हें काबे दे विच बना के रखे साल दे 365 दिन ते 360 खुदा हर दिन दा वखरा खुदा बना के रखे यानी कि खुदा दी भी पहचान कोई मैं किताब च पढ़िया कि ओ सफर ते जांदे ने ते मिठाई लेके जांदे ने खावन वास्ते मिठाई ते रस्ते च किधर इबादत करन नूं जी करदा ते उसे मिठाई दा बुत बना के उन्हें सजदा करदे ने ते बाद च उसे बुत मिठाई नूं खा लैंदे ने यानी खुदा दा तसव्वुर ही कोई खुदा दी पहचान भी नहीं उस दौर च उस दौर दे अंदर अल्लाह ने फिर अपने महबूब नूं भेजा ते कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे च एक नौजवानी च ऐसा किरदार पेश किया कि मक्के दे लोग मेरे नबी नूं मुहम्मद नहीं कहंदे बल्कि सादिक ते अमीन कह के पुकारदे ने सादिक दा माने सच्चा ते अमीन दा माने अमानतदार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ تسلیم ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਹ ਸਾਦਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ दुश्मन हमेशा अपने दुश्मन के ऐब तलाश कर दे कमजोरी तलाश कर दे। अबू जाल मेरे नबी का सब तो बड़ा दुश्मन है मैदान बदर इस्लाम ते कुफर दी पहली जंग अबू जाल 1000 पहलवान लेके मक्के आ मैदान बदर विच आया मेरे नबी 313 फकीर सहाबा लेके मैदान बदर विच आए इस्लाम ते कुफर दी पहली जंग यौमुल फुरकान फर्क करने वाला दिन
सुबह सतारवां रोजा है ते जंग होनी ते रात नूं खैमे लग गए उधर अबू जाल दा ते इधर मेरे नबी दा लश्कर अपने सामने ने ते अबू जाल दे खैमे च अद्धी रात वेलो दा बचपन दा यार बैठा जिहदा नाम है अखनस बिन शरीक ते कहण लगा इस वेले या तूं वे या मैं वां तीसरी रब दी ज़ात है ते खैमे च अद्धी रात दा वेला सारे सुते तूं ते मैं जाग रहे मैनूं सच्ची दसी तेरे तेरे मुहम्मद नाल जंग है पर मैनूं सच्ची दसी मैं तेरा बचपन दा यार हां मैनूं सच्ची दस तेरा मुहम्मद दे बारे ख्याल की है अबू जाल नूं मैदान ने पदरे चो दे यार ने अद्धी रात वेले पुछा तेरा मुहम्मद दे बारे ख्याल की है अबू जाल बोल के कहन लगा तू मेरा यार है किसी नूं दसी ना पर सच्ची गल ए ये मुहम्मद सच है मैं ही झूठा तेरे सच्चे हों तू सदके जाओ सब तो बड़े दुश्मन नूं भी मुहम्मद दी ज़ात च ऐब नजर नहीं आया कैसी पकीज़ा जवानी मेरे नबी दी है सादिक क्या के पुकार देने ते अमीन ऐसा ऐसा मानदार के रब दे पूरे मक्के च एक अमीन है ते उस अमीन ना रब नो इन्ना प्यार है के रब ने फरमाया वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनी न वहाज़ल बलद अल अमीन अल्लाह फरमांदा मैनू इस अमीन शहर की कसम है और रब दे पूरे मक्के च एक अमीन वसदा ते रब ने उस अमीन दे सदके पूरे शहर का ना ही अमीन रख दिता फरमाया वहाज़ल बलद अल अमीन फरमा मैनू इस अमीन शहर की कसम है क्योंकि उत्थे यार अमीन वसदा ना रब दा कदे मेरे नबी दे किरदार पर गौर कीता जे जदों हिजरत दी रात अबू जाल बड़े नौजवान लैके नगिया तलवारां लैके मेरे नबी दे घर दा मुहासरा करके खड़ा इर्द गिर्द किधरे मुहम्मद अज निकल ना जामन ओ तलवारां लैके मेरे नबी नूं कतल करन वास्ते आए ने ते अंदर नबी पाक मौला अली नूं फरमा रहे ने अली अज मेरे बिस्तर ते लेट जा ते मैं मदीने चलिया सिद्दीक दे नाल ते ओ मेरे कमरे दे नुक्कर च इक थैली पई अर्ज कीती यार सुन लो उहदे विच की है फरमाया ना काफिरां दीआं अमानतां ने ये अमानत सवेरे इन्हां नूं दे के वापस मेरे पिछे मदीने आ जाए किधरे ये ना आखन मुहम्मद खयानत करके गया है 102 चकवाले कदे गौर कीता जे नगियां तलवारां लैके काफिर मारन भी उस मुहम्मद नूं आए ने ते अमानतां भी उसे मुहम्मद दे बूहे रखियां उन्हें आख्या दुश्मनी अपनी जगह है ते अमानतदार है यानी कुफर नूं ते दुश्मन नूं भी मेरे नबी दी ज़ात च कोई ऐब नजर नहीं आया उस नबी दे किरदार दी अज़मत वेख इंसान हवा च उड़ के वखा देवे इंसान अजमत दियां बुलंदियां ते पहुंच जावे सारा जग इंसान दे नारे लगांदा वे दो इंसान इंसान दी अजमत नूं जल्दी नहीं तस्लीम करदे एक बीवी ते एक बचपन दा लगोटिया यार बंदा बड़ा बड़ा वली भी होवे करामत भी विखा देवे हवा च उड़ के भी विखा देवे ते बीवी ते यार पता की करदे सानू पता तेरा इंसान की अजमत बीवी ते यार तस्लीम नहीं करदे पर मेरे नबी की अजमत किरदार की अजमत वेख के जो मक्के विच मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया जिन्हें औरतों में सब तो पहले कलमा पढ़िया और नबी पाक की बीवी अम्मा खदीजा तुल कुबरा है ते जिन्हें मर्दों च सब तो पहले कलमा पढ़िया और नबी दा बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी दी अजमत नु सब तो पहले मन्या भी बीवी ते बचपन दे यार वेख मेरे नबी दे किरदार दी अजमत ऐसी जवानी सोने दी अल्लाह कह रहे मेरी मिल्लत दे नौजवान ते मुहम्मद अरबी दी जवानी दा रंग चढ़ जावे हर नौजवान चाहता मैं सोना हो जावा मैं गोरा हो जावा नाई की दुकान से जाके हफ्ते बाद चेहरे ते फेशियल करा दे पालिश करा दे क्रीमा लगा दे क्यों मैं गोरा हो जावा मैनू लोग पिंड दे कहना मुंडा बड़ा सोहना है मिंबरे रसूल से बह के मिंबर वाले की कसम उठा के कहना मेरी मिल्लत दे नौजवान तू अपने चेहरे ते लखा रुपए लगा तेनों होरे कोई ना वेखे तू अपने चेहरे ते मुहम्मद का रंग चढ़ा तेनों कोई ना वेखे मुहम्मद का रब वेखे वेखे तू रंग कमली वाले का चढ़ा ले चला हजरत मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते आर पे कड़ी रहमतुल्लाह ने फरमांदे ने कच्चा रंग ललारी वाला
इश्क नबी दा रंग मुहम्मद चढ़िया कदे दुनिया के रंग चढ़ावा तो बेहतर मुहम्मद रबी का रंग चढ़ा ला सोने का रंग चढ़ा ला अपनी दाल कौन है जो जवान हो मक्के दे लोग आप नू सादिक ते अमीन कहते हैं ते हुजूर नू ताहिर कहते हैं पाक मर्द तवज्जो है आओ हुण अगली गल सुनावा मक्के च इक औरत भी है दूसरा औरत दा किरदार बीवी अरब दे अंदर एक मेला लगदा अज भी लगदा उनू उकास दा मेला कहा जांदा अज भी उकास दी मंडी ते उकास दा मेला अज 1500 साल बाद भी मशहूर है उकास दी मंडी दे अंदर शायर अपनी बीवी दी हुसन दी तारीफ विच शेर लिख के हजारां दे मजमे च खलो के अपनी बीवी दा हुसन बयान करदा लोग वाह वाह करदे गैरतमंद इंसान अपनी बीवी दा नाम भी किसी मर्द दे सामने नहीं लैंदा उन्हां लोगां दी गैरत दा जनाजा निकल गया कि अपनी बीवी दे हुसन च शेर लिख के उकास दी मंडी च पढ़दे ने तो लोग वाह वाह करदे ने यानी ना मां दी कदर ते ना बीवी दी कदर बहन ते समझदे कुछ नहीं ते बेटी ते जिंदा ही दफन कर देंदे पर उस मुआशरे च जदों औरत दी कदर नहीं ना उस मुआशरे च एक औरत है जिन्हों मक्के दे लोग ताहिरा कहंदे ने पाक औरत उस औरत दा नाम खदीजतुल कुबरा जिन्हों मक्के दी मलका कहा जाता है उन्हें ताहिरा भी कहते हैं मलका मक्का ते मलका अरब भी कहते हैं दौलत इतनी कि अरब दे सारे अमीरां दी दौलत एक पलड़े च रखी जावे ते अम्मा खदीजा दी कली दी दौलत एक पलड़े च रखी जावे ते कली दी दौलत सब तो ज्यादा है शादी हुई फरमा दिया 25 साल की जवानी अल्लाह ने मेनु दो पुत्र एक बेटी अता की मेरे शोहर भी अल्लाह ने एक बेटी एक बेटा अता की शोहर भी फौत हो गए फरमा दिया 25 साल की जवानी च मैं दो मरतबा बेवा हो गई ख्याल किया कि हुण मैं शादी नहीं करनी हुण मैं अपनी औलाद नूं पालांगी ते तिजारत दा इतना बड़ा कारोबार है मैं अपना कारोबार संभालांगी आप फरमा दिया मेरी उम्र गुजरती जा रही गुजरती जा रही गुजरती जा रही आखिर मेरी उम्र 40 साल हो गई मक्के दे बाहर इक कखां दी कुल्ली है उस कखां दी कुल्ली च इक नौजवान है उहदा नाम है वरका बिन नौफल अम्मा खदीजा दे चाचे दा बेटा वरका बिन नौफल ओ नौजवान है जिन्हें दौरे जहलीयत भी कदे बुत नु सजदा नहीं किया उन्हें देखा मेरी कौम बुत परस्त है उन्हें मक्का छड़िया ते जाके आओ मक्के दे बार कखां दी कुल्ली पा ली ते कदे तौरात दी तिलावत करदा है कदे इंजील दी तिलावत करदा है कदे ज़बूर दी तिलावत करदा है अल्लाह दी वहदानियत नु मानदा है अम्मा खदीजा जदों कदे कदे दिल उदास होना ना ते आपने वरका बिन नौफल कोल चले जाना वरका बिन नौफल उठ के खलो जाना मेरी बाजी खदीजा आई है ताहिरा आई है मक्के ते अरब दी मलका आई है ते आपने दे करीब बैठ के कहना वरका मैनूं रब दा कोई कलाम सुना मेरे दिल नु सुकून आवे वरका ने कदे तौरात कदे ज़बूर ते कदे इंजील सुना नहीं एक दिन अम्मा खदीजतुल कुबरा वरका बिन नौफल दे करीब बैठी ते वरका कहन लगा बाजी खदीजा अज मैं तैनूं एक अजीब गल सुनावां अम्मा खदीजा फरमा दी वरका सुना मेरे वाल वेख्या जे नौजवान वरका बिन नौफल ने इस तरह करके सामने मक्के शहर वाल इशारा किया कहन लगा बाजी खदीजा ओ जिहड़ा सफा ते मरवा पहाड़ियां दोनों दे दरमियान ओ जिहड़ा मक्का शहर है ना तौरात इंजील ते ज़बूर च ए जिहड़े अल्लाह दे कलाम ने ना इन्हां च लिखिया कि उस मक्के शहर दे अंदर एक रब दा नबी आउण वाला है अम्मा खदीजा ने बड़ी हैरत ने वरका बिन नौफल वल देखा इस मक्के च रब दा कोई नबी आवेगा इस दौरे जहलीयत दे अंदर बुतां दी दुनिया दे अंदर आखे इत्थे रब दा एक नबी आवण वाला एक आसमानी किताबां च लिखिया है पढ़ा कुरान
हुण तक मैं अपना रांझा राजी किया, हुण मैं तुहाडा रांझा राजी करन लगा। अपना भी ते नाल दे दा भी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह दी रिजा फरमाए अल्लज़ीन यत्तबियून रसूलन नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहू मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। अल्लाह फरमांदा ए ओही कमली वाला आया जिदा तज़करा ज़बूर च भी तौरात च भी ते इंजील च भी सी। असी ते मैं ते तुसी दुनिया ते आए ते मां ने प्यो नूं पुछया दा नां की रखना है, अबू ने दादी ने पूछा इहदा नां की रखना है, फुफियां ते चाचियां मशवरे कीते आ बच्चे दा नां की रखना है। पता चलिया असी दुनिया ते आए ते साडा जिक्र शुरू हो गया, जदों नहीं साए लम यकुन शय मजकूरा असी ऐसा काबिल ही नहीं साडा जिक्र किया जाए। अज तो 200 साल पहले किसी को पता थी तुसा आना या मैं आना, 200 साल बाद किसी को पता होगा असी कदे आए हुए सा। एक ही आमिन दलाल अजे आया भी नहीं तो रब ने यार दे नां दियां तुम्मां पा भी दित्तियां। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, तौरात च भी जिक्र मुस्तफा दे ते इंजील च भी जिक्र मुस्तफा दे, नबी सारे मुस्तफा दे जिक्र करदे गए। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा जिक्र होया, वरका बिन नौफल ने कीता, कह लगा ए तौरात ते ज़बूर च लिखे थे को नबी आवेगा। अम्मा खदीजा फरमांदी है रात मैं घर आई ना, अम्मा खदीजा फरमांदी है दी रात रात डल के मेरी अख लग गई, घबराओ के मेरी अख खुल गई, सारी रात तारे गिनदियां गुजर गई, सुबह टुरिया टुरिया बरका बिन नफर दे कोले आई आऊ। फरमादियां मैं बरका अज रात मैं बड़ा अजीब ख्वाब देखे आए, सूरज टुट के मेरी गोदी च आया, लवा मशरक च भी जा रही हूं मगरिब च भी जा रही हूं। बरका बिन नौफल ने पुरानी जी किताब खोली, कदे किताब दे वरके वेख दे कदे अम्मा खदीजा दा चेहरा वेख दे, कहन लगा बाजी खदीजा याद कर मैं तेनों दसदा रहा मके जी का नबी आवेगा। अम्मा खदीजा फरमा दिया मैनू याद है, बरका कहन लगा बाजी खदीजा तेरे ख्वाब की तबीर है भाई, एक दिन गोदी तेरी आवेगी बेचो नबी आवेगा, ते लोवा मशरिक च भी जान गियां मगरिब च भी जान। ए सूरज आसमान दा नहीं है नबूवत दा सूरज, थके ते नहीं अज नहीं तुहानू गिनती आउंदी ना, इन्ने मैनू शेर आउंदे ने पर मैं तुहानू कुरान सुना रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान भी हाँ, आखोगे मैं सारी रात ही कुरान पढ़ता रहा, पर मैं उन्ना पढ़ना जेड़ा मेरे मौजूद है उनवान के मुताबिक होगा जेड़ा नाले तुहानू हजम हो जाए। वरका बिन नौफल कह लगा बाजी खदीजा आसमान का सूरज नहीं है जेड़ा तेरी गोदी च आया, नबूवत का सूरज है। उन आखो ते मैं पहले कुरान पढ़ा सूरज ते मेरा नबी केड़ा सूरज है, ते फिर मियां मुहम्मद बख्श दा कलाम पढ़ा। ते तुहाडी नहीं मर्जी फिर कदे पढ़ लवांगे। ये मोहम्मद बशीर है किधरे लंगर पहले ते नहीं खवा दिता। अच्छा जी सुभान अल्लाह जी, ये मैनूं तुहाडी सुभान अल्लाह दसना तुसां तकरीर किवें दी सुननी है, होर उचा बोलो सुभान अल्लाह। आ जड़ा जड़ा पहली हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा उन्हें जगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ड्राइवर बड़ा डर है जी, वो मैनू रात नू कदे सफर तो वापस जाइए ना तो कहंदा सी साहब सौणा ते पिछली सीट ते चलो। मैं पूछा क्यों, तो कहंदा जी फ्रंट दी सवारी नू नींद आ जाए ना ते ड्राइवर नू भी नींद आ जांदी है। आ वेखो मेरे हाथ वाल तुसीं फ्रंट ते बैठे हो, तुहाडी मेहरबानी तुसीं जा के लिया जी
ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਾਫਲ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚ ਬੈਠਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਾਈ ਉਹ ਬੋਲੋ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਜਾ ਫਰਮਾਤਾ ਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹੀ ਜਾਲ ਫਿਸਮਾਈ ਪੁਰੂ ਜਾਉ ਵਜਾਲ ਫੀਹਾ ਸਿਰਾਜਾਉ ਵਕਮਰਮ ਮਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜ਼ਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਸੂਰਜ ਬਣਾਏ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਪਰ ਕਮਰ ਮੁਨੀਰਾ ਅਸਾ ਚਮਕਣ ਤੇ ਚਮਕਾਣੇ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਦੂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਦਾਇਨ ਇਲਲਾਹ ਬਿਇਜ਼ਨਿ ਵਸਿਰਾਜਨ ਮਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਰਾਨੀ ਮੱਥਾ ਨਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਤੱਕੇ ਤੇ ਅੱਖੀ ਪਾਣੀ ਨਸ਼ਮ ਸਤਾ ਜਰੀਫੀ ਵਜੇ ਸਹਾਬਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਐਡਾ ਚਮਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਨੂਰਾਨੀ ਮੱਥਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਤੱਕੇ ਅੱਖੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਬਸ ਰਾਜ ਮੁਨੀਰਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਆ ਜਾ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਿਨੇ ਬੁਲਾਈਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਬੁਲਾਈਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਨਾ ਹਲ ਚਲ ਕਦੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੈ ਵਾ ਮੌਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਗੁਲਾਮ ਕਬਰ ਚ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੇ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਲ ਵਰਗੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੂਰਜ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਜੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਓ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵੇਖਿਆ ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਕਾਤਿਬ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖੋ ਇਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਸਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਉਹ ਸਫੀਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆਈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਸਨ
ते फरमा दिया मैं वेख्या कमरे च दीवा पिया पले तो दीवे की लोड़ नजर ही ना आवे जिधर वेखा चानन मुहम्मद की नजर पिया होता फुफिया नु भतीजे नाल प्यार ते बड़ा ही आंदा पर काए ना चेंज दी फुफी कोई नहीं ते मुहम्मद जा भतीजा ही कोई नहीं जो किसी का आशिक हो गल उसे करदा सौ सौ मकर बहाने पाके मरने मरदा हजरत बीबी सफिया ने जदू बहना ना अम्मा खदीजा को कहना खदीजा मेरा एक भतीजा है ते ना ओदा मुहम्मद ते कोई ओ सोना कोई ओ सोना ते कदे कदे फरमाना उनु लोग सादिक ते अमीन कहंदे ने जहलीयत दे दौर च उनु लोग सादिक ते अमीन कहंदे ने अम्मा खदीजा दे ना पहली बार करना च जदों मुहम्मद नाम पिया ना ते आ फरमांदी है मैनू अजीब ही लज़त आई पता जमदे जमदे साडी कन विच मां अज़ान पता क्यों सुनांदी है ताकि जमदे मेरे पुत्र के कान मुहम्मद का ना पै जाए पता लग जाए मैं आया भी मुहम्मद के ना ते वहां मैं जाना भी मुहम्मद के ना ते इस ना की कन में लज्जत ही पहली बार कोई अजीब होती है मुकदरा ते नाज करया करो पहली बार कन में अजान ही अल्लाह ते मुहम्मद के ना आरी बिला लोग इरशाद फरमाते ने जेड़े दिन दा नाम तेरा मैं विच कलमे दे पढ़िया उसे दिन दा रूह मेरी नू प्यार तेरे पहली बार मखदीजा दे कन्ना च जद हुजूर दा नामे मुबारक पिया ना मुहम्मद ते फरमा दिया नाम ते बड़ा सोहना है ते सफिया फरमा दिया आ भी बड़ा ही सोहना एक दिन हजरत सफिया मखदीजा कोल बैठियां ते खदीजा बड़ी परेशान ते सफिया फरमा दिया खदीजा क्यों परेशान है खदीजा फरमा दिया वेख ना मुल्के शाम वाल मेरा काफिला तिजारत दा जा रहे है इतना मेरा माल है अखा लखा ते करोड़ा ते खरबा रुपए दा माल है पर बेचण वाला ही कोई नहीं ना मेरा शोहर ते ना मेरा जवान को पुत्र के बेचा ते मैं लोगों नु तनखावां दे के भेजनी आ अद्धा माल खा जांदे ने अद्धा मैनूं दिंदे ने ना कोई दयानतदार है ते ना कोई अमानतदार है मैं किन्नों दे के भेजा मेरा सामान खा जांदे ने मैं परेशान आ ते हजरत सफिया फरमांदियां जे आखे ते तेने के अमानतदार दसना अम्मा खदीजा फरमांदियां इस मुआशरे च कौन अमानतदार है इत्थे केड़ा अमानतदार ते इत्थे केड़ा दयानतदार कौन हजरत सफिया बोल के फरमा लगी याद कर मैं तेनों कहंदी सी ना मेरे भतीजा मुहम्मद ते लोग नु सादिक ते अमीन कहंदे ने ते जे आखे ते ओनो बुलावां कारोबार की करेगा इहदी शादी कित्थे होवेगी कौन इहनूं रिश्ते देवेगा उधर मेरे नबी दे चाचे ताए इस गल तों परेशान ने मुहम्मद जवान हो गए कारोबार की करनगे इहनां दी ज़रिया माश की होवेगा उधर अम्मा खदीजतुल कुबरा नूं हज़रत सफिया फरमा रही जे आखे ते मुहम्मद नूं बुलावां क्या बोलाओ इधर मेरे नबी ने हजरत सफिया पैगाम भेजा तरह खदीजा दे महल च आया उधर मेरे नबी टुर पे अम्मा खदीजा दी एक बचपन दी सहेली सी जिसका नाम सी नफीसा हजरत अम्मा खदीजा ने नफीसा नु बुला लिया ते अपने सामने एक बारीक जिहा पर्दा लटका लिया और सामने महल दा दरवाजा जिथे नबी पाक गुजर के अंदर आना सी ते अम्मा खदीजा ने नफीसा नु अपने करीब बिठाया दरमियान च पर्दा सफिया कोल बैठियां ते दरवाजे वल निगाहां हजूर आवन लगे ना ते इस तरह जदों दरवाजा खुलिया ते अम्मा खदीजा फरमांदी है जदों पहली निगाह मुस्तफा दे चेहरे ते पई ते मैनूं इंज लगे जिवें ख्वाब वाला सूरज पिया आया मेरे नबी जदों खरामा खरामा धीरे धीरे हौले हौले प्यार प्रेम प्रीत इश्क मोहब्बत न टुरदे आए ना अम्मा खदीजा वेख के फरमा दी मैं वेख्या एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें
اک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں اک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن وہ رپھونک دیا سب تن من تن تے جے آکھو دے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بشکل تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو موتیاں نہیں سرکار اچھا بولو سبحان اللہ آر دے کڑی رحمت اللہ نے فرما دینا کالے کنڈل زلف ماہی چال چلے ان کیڑا لٹ کھڑیا دلوں میں کالے کنڈل زلف ماہی دے جال جلے ہن کیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا جدو میرے نبی کریم کراما کراما ٹورے ٹورے آ کے بیٹھے نا او تو انہوں رب دے نا دا واسطہ چپ کر جو بیلی تُس اپنی ایک کرنی ہے سانتے میں نوکہ نو بلا ہے جی آپ ایک ہوں میں ذکر کرے ماہی دا پیا کر اقبال فرما دینے خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں اقبال کہندا ہے حضور دی محفل وچ اچا بولنا تے بڑی دور دی گل ہے تے دل بھی اچھی آواز نہ دھڑک جاوے بے ادبی ہو جاندی ہے اے بڑی نازک بارگاہ جے تھے ادب نہ بیٹھے جدو نبی پاک دا ذکر چھڑ کے بندہ دائیں بائیں کردہ نا پھر مدینے آواز ہوں دیئے ساڑھے نا لسونا ہور کوئی لب گئے جدے والوے کھی جائے حضور دا ذکر ہمتن گوش ہو کے سنیا کرو نبی پاک جدو آکے بیٹھے تھے مخدیجہ دی پہلی نگاہ حضور دا رخ انور تو پہی تے دل آو گیا اکھے تے او خواب والا سورج ہے نبی پاک بیٹھے نبی پاک نے پھپھو صفیہ نے فرمایا جی پھپھو جی مینوں کیوں بلایا اما خدیجہ بول کے کہنے لگے جی میں بلایا تے میرا سیمان تجارت ملک شام بل جا رہے تھے بیچنا ہے تے تسی بیچا ہوگے فرمایا ہاں خدیجہ میں تیرا سامان بڑی امانت داری نال تے دیانت داری نہ بیچ کے آمانگا اما خدیجہ دے لبا چو نکل گئے تنخواہ کی نہیں لگو گے میرے نبی اٹھ کے کھلو گے تے ٹر پہ تے مڑ کے فرمایا خدیجہ اسی تینوں کو تنخواہ والے آن والے لگ لے کیونکہ میرے نبی دا خاندانی پیشہ تجارت سی حضور دے ابو جی تاجر دادا جی تاجر چاچو تاجر دادائے تاجر خاندانی سارا ہمیشہ تو عرب دا بڑا تاجر سی اما خدیجہ ڈر گئی ہیں تے حضور نے پکار کے کہنے لگے چندیہ دس جو نا جی تسی کی چاندے ہو میرے نبی مڑ کے فرما خدیجہ مال تیرا میں پوری دیانت داری نہ بیچ کے آمانگا پر تیرنا میں بارگی نگ نہیں کرنی بس ایک کوئی گل کرنگا جیڑا منافع ہو جائے ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا اما خدیجہ دل چی پکار پکار کے کہنے ہیں میں سونے آن جتے دلان دے سعودے ہو جان مالان دے سعودے نہیں کری